हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और हम लोगों ने उसका फॉर्मूला देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स जो थी वो हम लोगों ने सॉल्व की थी। अब मैंने बाइनोमियल का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो हमारे पास है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर से हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसमें पढ़ लें, मैं इसके बारे में लिख चुकी हूँ कि इफ़ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन। अगर हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है उसको कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कैपिटल एन हमारे पास क्या है वो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सेट्स, ये हमारे पास कैपिटल एन रहेगा। अगर हम लोगों को स्टेटमेंट में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की तादाद ज़्यादा दी गई हो, बहुत बड़ी वैल्यू दी गई हो, यानी 1000 लाइक समथिंग 1500, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू होगी और हम लोग उसको अपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसको हम बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग ने याद करना, ये सिंपल जस्ट बाइनोमियल फॉर्मूला ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और जस्ट उसके साथ कैपिटल एन को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, कैपिटल एन तो हमारे पास है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सेट्स, लेकिन स्मॉल एन हमारे पास क्या है, शोज वन एक्सपेरिमेंट और वन सेट, यानी वन एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्मॉल एन के साथ शो करेंगे और ज़्यादा अगर हमारे पास आ जाए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सेट्स आ जाए उसको हम कैपिटल एन के साथ शो करेंगे। तो ये हमारे पास है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आगे इसकी जो है एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एग्जांपल। इसमें एग्जांपल में कहा गया कि 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और अ 6। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास 729 टाइम्स दे दिया गया है एक्सपेरिमेंट, यानी 729 टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट किया है और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई, कैपिटल एन की। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या है, गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। कैपिटल एन हम लोगों को दे दिया गया है 729। अब इसमें हम लोगों को कैपिटल एन की वैल्यू दे दी गई है। अब हम लोगों ने स्मॉल एन की वैल्यू निकाली है, वो क्या होगा, 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स। तो 6 डाइस हमारे पास क्या होगी, 6 एन की वैल्यू। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और अ 6। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, 2 आउटकम्स हैं, 5 और 6, और आपको पता है कि हमारे पास जो डाइस की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 है, लेकिन यहाँ पर हमें वो कह रहे हैं 5 को शो करें और अ 6 को शो करें, तो हमारे पास जो पी बन जाएगा वो बन जाएगा 2/6, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी तरह से हम लोग क्यू की वैल्यू ले लेंगे, वो आपको पता है कि वो हमारे पास होती है 1 - 1/3, जिससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा क्यू का, विच इज़ 2/3। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अपना गिवन डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अब हम लोगों ने जो है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। रेंज इसकी वही रहेगी जो हमारे पास बाइनोमियल की सिंपल थी, वो चेंज नहीं होगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे आप लोग स्मॉल एन भी लिख सकते हैं और कैपिटल एन भी। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके अंदर अपनी वैल्यूज को जो है वो जस्ट अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास है 6। यहाँ पर हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है वो हम लोगों ने किसका फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 3 डाइस। सो इसका मतलब है हम लोगों ने एक्स की वैल्यू 3 पर, 4 पर और 5 पर जो है हम लोगों ने जो है फाइंड आउट करना है इसको, क्योंकि 6 जो है हमारा स्मॉल एन की वैल्यू है, तो हम लोगों ने 3, 4, 5 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अपना वही मैथड यूज़ करूँगी, कंबाइन निकालूंगी, जिसका से मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, और मेरे पास जो पी है वो आ रहा है 1/3 एक्स एंड 2/3 एंड 6 - x। अब स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज निकाल लूँगी तीनों की और जस्ट मैं उसको ऐड करूँगी और उसके बाद मैं उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यूज निकाल ली है 0.21। आप मेरा कैलकुलेटर जिससे मैं फाइंड आउट करती हूँ उसका तरीका मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं।
अब जस्ट मैं इन वैल्यूज को ऐड करूंगी और जस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूंगी। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको ऐड कर लिया है और इसका जो इसको 729 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये है मेरा आंसर इसका, जिसको मैंने सारा जो है वो सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स आगे हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है बाइनोमियल की देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या क्या है। जो फर्स्ट है वो हमारे पास है मीन इक्वल्स म्यू इक्वल्स एन पी। स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वेरियंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट एन पी क्यू, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला 1 - TP ओवर स्क्वायर रूट एन पी क्यू, और कर्टोसिस का फॉर्मूला है 3 + 1 - 6 PQ ओवर एन पी क्यू। और इसके टू पैरामीटर्स हैं एन एंड पी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, अक्सर ये वाइवा में पूछ लेते हैं, पेपर्स में भी आ जाती हैं, तो ये आपको इसके फॉर्मूलास याद करने पड़ेंगे। और कभी कभी एग्जांपल दे देते हैं जिसमें ये पूछ लेते हैं कि आप मीन फाइंड आउट करें, वेरियंस फाइंड आउट करें, या आप कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूनस कर्टोसिस जो है वो फाइंड आउट करें। तो इसके फॉर्मूलास जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब आगे हम लोग जो है इसी एग्जाम्पल जो है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, इन द बीए एग्जामिनेशन 24 कैंडिडेट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दिस सब्जेक्ट बी 1/3, फाइंड द मीन एंड डिस्पेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को पी की वैल्यू दे दी है, सबसे पहले तो हम लोग अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं, और इसी से हम लोग अपनी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी 1 - 1/3 विच इज 2/3, और इसके बाद हमारे पास 24 कैंडिडेट्स जो हैं वो स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी 24। अब हम लोगों ने फाइंड करना है मीन एंड डिस्पेयन। डिस्पेयन जो है वो वेरिएंस को ही कहते हैं। हम लोगों ने अभी मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इक्वल्स एन पी। जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे, एन इज 24 एंड पी इज 1/3, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिस्पेयन, निकालना है डिस्पेयन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। विच इज सिग्मा स्क्वायर एंड विच इज एन पी क्यू। अब जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बहुत ही आसान एग्जांपल है, और ये इतनी आसान एग्जांपल अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, और ये स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज ही नहीं पता होते, जिसकी वजह से उनको ये क्वेश्चन जो है वो छोड़ना पड़ जाता है, और ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.33। स्टूडेंट्स ये मैंने मीन भी निकाल लिया और मैंने डिस्पेयन भी निकाल ली, ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब फिर से एक और एग्जांपल इसकी सॉल्व कर लेते हैं। इफ एक्स इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.20 एंड वेरिएंस 1.152, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ एक्स इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.20 एंड वेरिएंस 1.152, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे मीन दे दिया गया है, हम सबसे पहले तो अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो जो हमें गिवन दिया गया है। मीन हम लोगों को दिया गया है, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से शो करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सैम्पल के लिए है 3.20, और आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला जो होता है वो एन पी के लिए यूज होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो मेरे पास वेरियंस जो है वो मेरे पास दिया गया है 1.152, और जो कि मेरे पास एन पी क्यू के बराबर होता है। मैं अब इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी कि अगर आपको इस तरह की एग्जांपल आ जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन वन का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन टू हमारे पास है एन पी क्यू इक्वल्स 1.152। अब हमारे पास एन पी की वैल्यू दे दी गई है 3.20, हम लोग एन पी की जगह पुट कर देंगे 3.20, और क्यू ऐसे ही आ जाएगा और 1.152। अब नेक्स्ट क्यू यहाँ पे रहने देंगे और 3.20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 1.152 के साथ, और जिससे हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.36। अब क्यू की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हम लोग पी तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों ने 1 - Q करेंगे, और जिससे हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग आगे पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं।
पी हमारे पास होता है 1 माइनस q 1 माइनस 0.36, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.64। अब पी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, क्यू की वैल्यू भी आ गई, अब हमारे पास रह गया है एन। एन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इन वैल्यूज़ को जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था एन पी इक्वल्स 3.20। अब एन तो हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू पुट कर देंगे 0.64 और 3.20। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 0.64, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0.64 एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। अब हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू भी आ गई और क्यू की। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेती हूँ। हैंस पी इक्वल्स 0.64, क्यू इक्वल्स 0.36 और एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इसके ज़रिए हम लोग जो हैं अपना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना सकते हैं और कंप्लीट उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर इस अकॉर्डिंगली अब हम इससे अपना फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है, अब इसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे। फाइव सी एक्स, मैं यहाँ पे अपना कंबाइन वाला ही मेथड यूज करूँगी। और मैंने अब वैल्यूज़ कहाँ तक फाइंड करनी है, क्योंकि मेरे पास जो एन है वो 5 तक है और आपको पता है कि बाइनोमियल की रेंज है वो 0 से 5 तक होती है, तो आपने 0 से 5 तक जो है उसको फाइंड आउट करना है। और फिर इसके साथ जो है मैं अपने कंबाइंड मेथड से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुकी हूँ 0 से लेकर 5 तक। ये हमारे पास है आंसर्स। सो इस तरह से हम लोग जो है अपनी कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ का सम लेती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.99। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी जो है सबको ऐड करने से मेरे पास 1 आंसर आ रहा है। और अगर हम लोगों ने इसको, क्योंकि कुछ एरर आ सकता है इसमें जिसको हम लोग जो हैं वो राउंडिंग के ज़रिए जो है, राउंडिंग प्रोसेस के ज़रिए जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एडअप कर लूँ तो मेरे पास ये आएगा 0.099 और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो मेरे पास ये 1 बन जाता है। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। आई होप आपको स्टूडेंट से समझ आ गए होगा। और अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।